डांडिया का ध्वनि, गरबा का नृत्य और माँ दुर्गा की कृपा सबके साथ हो। रामनवमी को खास बनाने के लिए वासने वैश्य कल्याण सभा साउथ दिल्ली एवं महिला सभा साउथ दिल्ली के तत्वाधान में रामनवमी के खास अवसर पर दिनांक 23/10/2023 को डांडिया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अपने समाज के युवा और बच्चों को समाज के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना था। इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों के द्वारा की गई प्रशंसा एवं युवा वर्ग के विचारों को सुनकर सभा को लगता है कि ये कार्यक्रम अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा है। बता दें कि डांडिया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम से बच्चों को सीखने के साथ साथ त्योहार क्यों मनाया जाता है इसकी जानकारी भी मिलती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है। इस कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि सुशील वासने, डीके गुप्ता, डॉक्टर ओपी वासने, प्रदीप गुप्ता, पंचशील एनक्लेव, अरविंद कुमार, मुकेश कुमार जालीवाले, सीए शरद वासने, सीएमए लक्ष्मी नारायण, संजीव वासने सीए क्लासेस, चंद्रशेखर गुप्ता, मनोज वासने, कैलाश चंद वासने, डरबिन गुप्ता तथा विभिन्न संस्थाओं से आए अतिथिगण जयपाल, दीपक गुप्ता, राकेश वासने, वीरेंद्र वासने, मुकेश वासने नोएडा, निर्मल कुमार दीपक, अनिल कुमार फरीदाबाद, अनिल कुमार वासने गुड़गांव, चंद्रकांत, पवन कुमार, सुमन वासने, रंजना वासने, रेखा गुप्ता एवं सभी अन्य अतिथियों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा भरपूर आनंद उठाया। मातृशक्ति डॉक्टर रंजना वासने, हेमलता वासने, रेणु गुप्ता, वंदना वासने, भावना गुप्ता, पूनम गुप्ता, रजनी, रश्मि, खुशबू, प्रीति, रेणु गुप्ता, सलोनी, आकांक्षी, इन सब ने मिलकर गिद्दा और डांडिया के रंगारंग एवं मस्ती से भरपूर कार्यक्रम आयोजित कर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। युवा बच्चे सलोनी एवं कर्णव तथा शरद वीरेंद्र ने मंच का संचालन सुचारू रूप से एवं शायराना अंदाज में किया। डॉक्टर वीपी गुप्ता ने म्यूजिक भाग को खूबसूरती से संभाला। कार्य की रूपरेखा एवं सफल आयोजन प्रधान डॉक्टर चेतन कुमार गुप्ता, सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष विकास वासने, मुख्य संरक्षक गिरीश वासने, संरक्षक किशोर गुप्ता, उप प्रधान विवेक वासने, प्रदीप गुप्ता कालकाजी, राजीव गुप्ता एवं संपूर्ण कार्यकारिणी द्वारा किया गया। सभी आए हुए विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये कार्यक्रम हमने युवाओं को जोड़ने के लिए तैयार किया था, जिससे कि युवा शक्ति जो है हमारी, युवा बच्चे सभाओं से जुड़े हैं, जो अभी तक थोड़ा कम जुड़ रहे थे उनके लिए किया था। इस कार्यक्रम में हमारी सभा की सभी महिलाओं ने, जो हमारी संस्था की महिलाएं हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया है और बच्चों ने जो एंकरिंग किया वो भी हमारे युवा साथी हैं। मैं यही चाहूंगा, सभी से यह अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में सब इसी तरह के कार्यक्रम करें, ताकि हमारी युवा शक्ति जो है, युवा बच्चे हैं, वो जो है इसमें भाग ले सकें और समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें। धन्यवाद सर। हम लोगों ने ये जो थीम है, जो टीम इवेंट्स है, हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है उसके बारे में हमने रखा हुआ है ये सर। ये सारा ऑर्गेनाइज उन्हीं बच्चों ने किया हुआ है, बस हम लोगों का बहुत ही छोटा जो है इसमें जो है हिस्सेदारी है। इसका पूरा क्रेडिट हमारे बच्चों को जाता है, हमारे समाज के बच्चों को जाता है, वारस समाज साउथ दिल्ली के। ये हमारे पहली पहल है और हमने जो है बच्चों के लिए ही सारा ये किया है, जी बच्चे हमारे जो है आगे बढ़े और हमारे समाज को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। मैं मनोज गुप्ता, महासचिव श्री वैश्य वासने कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा की तरफ से यहाँ साउथ दिल्ली वासने समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा डांडिया का एकदम डिफरेंट थीम का कार्यक्रम रखा, जो कि समाज को जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे डॉक्टर चेतन जी को और प्रवीण जी को। उसके अलावा हमारे मार्गदर्शक मंडल में किशोर जी ने बहुत ही अच्छा रोल इसमें अदा किया है। और समाज को जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिसमें कि हमारे बच्चे भी शामिल हो सकें। जी जी, इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी खासियत यह है कि कपल्स को और बच्चों को इन्होंने आगे रखा है, जिसकी वजह से बच्चे इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो पाए हैं और इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को आगे बढ़ने में और स्टेज फियर को कवर करने में बहुत फायदा मिलेगी।
मैं पूरी समस्त कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कार्यक्रम की सफलता पर बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना सफल कार्यक्रम इतने कम समय में प्लान किया। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारे मातृ सभा साउथ दिल्ली का गठन 26 जून 2003 को हुआ था और तब से अब तक लगभग 20 साल हो गए हैं। हम हर साल दिवाली पर कार्यक्रम एनुअल फंक्शन मनाते हैं। इस बार जो नई सभा का गठन हुआ जिसमें डॉक्टर चेतन गुप्ता को प्रेसिडेंट, प्रवीण गुप्ता को सेक्रेटरी और विकास राष्ट्र को चेहरा बनाया गया है और इस बार एक नई पहल शुरू की गई है कि जो हम दिवाली का एनुअल फंक्शन 20 साल से करते आ रहे हैं वो तो करेंगे ही जब भी समय आएगा, लेकिन उससे पहले कि नए बच्चों को सभा में आगे बढ़ाया जाए, नए बच्चों को आगे आने के लिए प्रेरित किया जाए, उसके लिए एक डांडिया प्रोग्राम हमने नवरात्रों के अवसर पर जो है रखा है। जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने परिचय से? मैं अरविंद कुमार, अध्यक्ष श्री वैश्यवासिनी कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा। सबसे पहले तो मैं साउथ दिल्ली वासी समाज के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आज इन्होंने ये रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे रखा और पहली बार डांडिया का कार्यक्रम रखा, नई युवा पीढ़ी के लिए जोड़ने के लिए इन्होंने कार्यक्रम रखा। ये बहुत ही अच्छा, इनका बहुत ही सफल प्रयास है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे टीन एज के बच्चे, युवा युवतियाँ, हमारे भाई, हमारे बच्चे, सारे लोग आज बहुत ही खुशी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और हम प्रयास करेंगे पूरा वासी समाज की इन्हीं बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए और भी कार्यक्रम करते रहे। धन्यवाद।